मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे और उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। बाबू याद रखना, अपने हौसलों को टूटने मत देना, अपने हौसलों को टूटने मत देना। जब हौसला टूट गया समझो कि तुम भी टूट गया, ठीक है, तुम भी टूट गया। याद रखना बाबू कि जब टूटे हौसला तो याद रखना, जब टूटे हौसला तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि ओ किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए जब एक जुगनू है, एक छोटा सा क्रिएचर प्राणी जुगनू है, वो अपने अंधेरे में मंजिल ढूंढ सकता है। यार हम लोग इंसान हैं, हम लोग यार दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो करने के लिए तैयार रहिए, करने के लिए तैयार रहिए, सब कुछ हो जाएगा। आप लोग तो अपने कहें तो क्या मंजिल पाने के लिए बहुत सारा शौक को पाल कर रखे होंगे, सपना को सजा कर रखे होंगे, हम ए बनेंगे, मैं ए बनूंगा। अरे यार कुछ तो बन के दिखाइए, कुछ तो बन के दिखाइए। दुनिया का तो शौक पाल लिए हैं, ठीक है, पूरा तो शौक कीजिए। कहा जाता है मेरे दोस्तों कि दुनिया के हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। अरे कांच नहीं आ रहा, गुलाब जला, ठीक है। मैंने क्या बोल रहा था कि दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। अरे मेहनत करने से हो जाते हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। हम लोग क्या सोच लेते हैं, अरे जो लक में होगा, जो भाग में आएगा भाग कर आएगा। ज्यादा काबिल है ना, मैंने भाग में, जो भाग में है वो भाग कर आएगा। लग रहा है कि मैंने क्या कहे तो उस रोड को उस पार भाग है, अब हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, बुलाएंगे भाग आओ भाग आओ, भागल भाग आ गया, तुम्हारा जॉब लग गया, स्टूडेंट हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो सोचता है ना कि जो भाग में है वो भाग कर आएगा, बाबू सोचना बंद कर दो, ठीक है। कि आज तक जो ये बात सोचे हैं कि जो भाग में है वो भाग कर आएगा, वो जिंदगी भर भागते फिरते रहता है, जिंदगी भर भागता है, उसका ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बोल रहा है मैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, बस आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत के बदौले आप लोग दुनिया को जीत सकते हैं, मेहनत की बदौलत आप लोग दुनिया को जीत सकते हैं। और मेहनत नहीं करेंगे तो आप ध्यान देंगे सिंपल सिंपल आप खेल को भी नहीं जीत सकते, इसलिए आपको मेहनत बहुत जरूरी है। अब वो ध्यान देंगे अपने जो इस सोच है ना, सोच दिमाग में सोचे हो ना, या आप यार बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हम क्या करेंगे, अरे यार सोच के बदलो, ठीक है। आज लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, फलना सर है तो बहुत मेहनत किए होंगे, तुम कहा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम केवल क्या कुंभकर्ण में खाली खाकर सोतोगे, तुम भी मेहनत करो, तुम भी बड़ा आदमी बनो, ठीक है। बाबू याद रखना, ठीक है, जब 5 साल बाद 10 साल बाद जब अपने दोस्तों से मिलेगा ना, तो तुम्हारा ये नहीं पूछेगा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डर मिलेगा कितना कमा रहे हो, ठीक है, और सब क्या कैसा हाल चल रहा है, ठीक है। याद रखेंगे आजकल तो बाबू आप लोग को मालूम होगा आजकल के ट्रेंड क्या चल गया है, लव लव लव, जहां देखो लव, जहां इधर देखो लव, उधर देखो लव लव लव, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, क्या है सब यार, ठीक है। अरे आप लोग के लिए सब नहीं है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई सपना नहीं है। अरे यार आप लोग याद करो, आप लोग तो गांव से जब घर से बैग लेकर के यहाँ पढ़ने के लिए आए था शहर में ना, तो आप लोग के साथ में सपना, आपका घर के सपना, आपका घर का मंजिल, जितने भी लोगों का आप पे आस है उम्मीदें, तो आप अपने घर सब के उम्मीदें को लेकर के आए हैं, और उस उम्मीद पर आप क्या कर रहे हैं, पानी फेर रहे हैं, क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं बाबू लोग। इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, कि सब यार आजकल जो इतने फोन लेकर चलते हो ना यार, आप केवल इस फोन का यूज वही करो जहाँ पे आपको पढ़ाई के यूज हो, जहाँ तुम्हारे लाइफ के बारे में यूज हो, उसके लिए यूज करो यार, फालतू के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। अपने सोच के बदलो, सोच के बदलो, अपने सोच के बदलो, ठीक है। सोच तुम बहुत छोटे रखे हो उसे बड़ा करो, ठीक है। दुनिया क्या कर रहा है उसमें नहीं जाना है, हमको क्या करना है उस पर जाना है, ठीक है। कहा जाता है ना कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। आप लोग भी अपने सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, अपने नजरिया के बदल दो। आज नजरिया आप लोग को जो लाल पियर हरियर देखने में लगा हुआ है ना, अब वो बंद करो। अपने केवल एक बात सोचो कि हम घर से क्यों आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, केवल पढ़ाई करो। अपने माँ बाप के सपना को, अपने गांव के सपना को साकार करो यार,
फालतू का टाइम बर्बाद मत करो। लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओनली फर्स्ट इक्वल पढ़ाई कीजिए, कोई पढ़ाई कीजिए, कोई पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लोग सोचते हैं और लोग बोलते भी हैं, कहते भी हैं, ठीक है, अरे उम्र ही ऐसा है, ये उम्र ही ऐसा है बिगड़ने वाला। 15 से 20 का जो उम्र होता है ना, उम्र बिगड़ने ही वाला होता है, ठीक। तो उसी में हम लोग को बनना है। अरे मैं तो कहता हूँ कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? अब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अरे मोड़ तो होता है जवानी को संभालने के लिए, अरे मोड़ तो होता है जवानी को संभालने के लिए, फिर भी सब लोग आकर के ही फिसलते क्यों हैं? क्यों फिसलते हो यार? नहीं फिसलो, नहीं फिसलो, ठीक है। तो जब इसी बात को मैं किसी दोस्त को या फिर अपने मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ना, तो स्टूडेंट लोग मुझ पर भी भड़क जाते हैं कि सर अपना आप काम कीजिए ना, पढ़ाने से मतलब रखिए ना। अरे हाँ भाई ठीक है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरा भी ड्यूटी दायित्व बनता है आपको समझाने के लिए। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो अच्छे पर बताने की तो मेरा भाई ड्यूटी है ना, दायित्व है ना। लेकिन उस पर भी लड़कर क्या करता है कि नहीं सर आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। ठीक है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन गलत काम मत न करो, ठीक है। सही रास्ता चुनो ना, सही रास्ता पकड़ो ना यार, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तुम कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ हमको सब सिखाने लगते हैं यार, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, कि पढ़ाने में जिनको जमाने लगे वही आज हमको सिखाने लगे, पढ़ाने में जिनको जमाने लगे अरे वही आज हमको सिखाने लगे, अरे जिनको चलना सिखाया हाथ पकड़ पकड़ कर वो आज हवा में कबूतर उड़ाने लगे, पेड़ पर चार दाने लगे हैं, चारों तरफ से निशाने लगे हैं, अरे पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है, अरे अब तो व्हाट्सएप और इंस्टा पर प्रपोजल आने लगे हैं। तो बाबू लोग इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक इस सबको बंद कीजिए यार, आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग विशेष बात करेंगे, किसी और टाइम बात कर लेंगे। चलिए आप लोगों को यदि मेरी बातों से बुरा लगा होगा, ठीक है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, ठीक है, मेरे अंदर का तो भड़ास इतना अंदर में मेरा इतना गुस्सा है ना विद्यार्थियों पर कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, आप लोग को समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप लोगों को डायरेक्टली मैं आप दिखाना क्या जा रहा हूँ जानते हो क्या? सिलेबस। क्या बाबू? सिलेबस, ठीक है। डिफेंस क्लासेस मैं जो शुरू कर रहा हूँ एयरफोर्स नेवी और एनडीए का, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सिलेबस, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर बढ़िया से अगर आप लोग इस वर्ष अगर 12 पास कर लेंगे, ठीक है, और याद रखेंगे। अच्छी एक बात मैं आपको ऐसा बताऊंगा वहाँ पे सिलेबस में कि आपको इंग्लिश में 50% आना चाहिए तभी आप बन पाओगे एयरफोर्स, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश पर फोकस करो, इंग्लिश फोकस करो, यदि एयरफोर्स बनना है तब, अगर एरोप्लेन पर उड़ना है तब, ठीक है। अरे यार कौन नहीं चाहता है क्या मतलब एरोप्लेन पर उड़े, चाहते हो ना, ठीक है। आज हम लोग यार बहुत लोग क्या 5,000-10,000 रुपया दे करके एक बार बैठते हैं दिल्ली जाने के लिए और कहीं जाने के लिए। अब वो समझो यार कि अगर 2 साल एक साल मेहनत कर लेता है, ठीक है, तो एरोप्लेन पे क्या तुम्हारा जिंदगी समझ रहा है ना सफल हो जाएगा, बैठने के लिए बहुत काम कर लोगे। इसलिए ध्यान देंगे मैं एयरमैन ग्रुप एक्स का सिलेबस लेकर के आ रहा हूँ, यानी इंडियन एयरफोर्स बनने हैं जिनको उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ सिलेबस, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ किसके बारे में, सिलेबस के बारे में और इसके एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है ना।